एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम का ऐलान। केएल राहुल कप्तान, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत की वापसी। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ETW स्पोर्ट्स न्यूज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी हुई खबर को जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, BCCI ने इस साल पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले एशिया कप में भाग लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इसे पाकिस्तान से किसी और जगह शिफ्ट करने की बात कही थी। हालांकि PCB के चेयरमैन नजम सेठी ने दो हाइब्रिड मॉडल पेश किए थे, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि एशिया कप में भारत के मैच अन्य देशों में होंगे। अब इस प्रस्ताव को BCCI के अध्यक्ष जय शाह ने मान लिया है और एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा। इसी बीच BCCI ने एशिया कप 2023 के लिए भारत की 15 सदस्यीय संभावित टीम की घोषणा कर दी है। दोस्तों, किन किन खिलाड़ियों को मौका मिला है जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों, इस साल सितंबर में पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप 2023 में खेलने पर संशय खत्म हो चुका है और एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान में मात्र 4 मैच खेले जाएंगे, बचे हुए सभी मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो एशिया कप के लिए भारत की संभावित टीम है, उनमें शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली को उपकप्तान बनाया गया है, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है।